ओके सर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो जर्म लेयर्स उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना है, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। अभी जो मेरा सूल है, आपको पता है सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बन गया था, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होता है, हमारे पास क्या आ जाता है, टू सेल स्टेज। ठीक है, ये टू सेल स्टेज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइटोटिकली फोर सेल स्टेज में। देन हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, ये डिवीजन होती है एट सेल स्टेज। ठीक है, इस एट सेल स्टेज पर हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन, जिसमें हमारे पास इनर सेल मैस एंड आउटर सेल मैस थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो कॉम्पैक्शन के प्रोसेस के बाद डिवीजन हुई थी और हमारे पास 16 सेल स्टेज आई थी, 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला। और इसमें सेपरेटली इनर सेल मैस एंड आउटर सेल मैस देखा जा सकता है, जिसमें इन इनर सेल एंड आउटर सेल मैस के दरमियान कनेक्शन था थ्रू गैप जंक्शन। ठीक है, अब ये जो 16 सेल स्टेज थी या जिसे हम मोरूला कहते हैं, ये जाता है इम्प्लांटेशन के लिए टुवर्ड द यूट्रस। जब ये यूट्रस में जाता है तो ये जोना पेलिसुडा के लिए डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे कुछ फ्लूड आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एक कैविटी भी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसील और एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों, ये जो इनर सेल मैस होता है ये डिवाइड होकर दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और ये आउटर सेल मैस भी दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। दो कैविटीज अपीयर होती हैं, एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क सैक। ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि अब ये जो एपीब्लास्ट है ना बच्चों, हमें पता है यहाँ पे अगेन सेकेंड वीक में लैक्यूनर स्पेसेस अपीयर होती हैं एंड यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, वो सारा हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये जो एपीब्लास्ट है ये फर्दर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक थ्री जम लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इससे तीन जम लेयर्स डिराइव होती हैं। वो तीन जम लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बच्चों, ये हमारे पास होती है सबसे ऊपर एक्टोडर्म। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिड में क्या होती है, मेसोडर्म, एंड देन हमारे पास क्या होती है लास्ट में एंडोडर्म। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट था, ठीक है, इनर सेल मैस, ये जो दो लेयर्स में कन्वर्ट हुआ था एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में, असल में कुछ बुक्स कहती हैं कि हाइपोब्लास्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ से डिसअपियर हो जाता है जब एपीब्लास्टिक सेल जिसको आके यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सो ये डिसअपियर हो जाता है। ये जो एपीब्लास्ट है जिसमें से तीन लेयर्स बनी हैं, इस एपीब्लास्ट ने ही पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और तमाम सिस्टम्स या बनाने हैं, यूनिट्स बनाने हैं। वो किस तरह से बनाने हैं अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम एक्टोडर्म की बात करें कि एक्टोडर्म से हमारी बॉडी में क्या क्या बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे बंदा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ड्रॉ तो मुझे करना ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बंदा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स के लिए आपने बच्चों याद रखना है वो सारी चीज़ें जो हमें वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए, बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या दुनिया को समझने देखने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए ना हमें, वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं, एक्टोडर्म से। सबसे पहले दुनिया को देखने समझने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, दिमाग, ऐसी बात है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम है, वो दोनों किसके डेरिवेटिव्स हैं, वो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के बाद बच्चों हमें दुनिया को देखने के लिए क्या चाहिए होती हैं, आंखें। ठीक है, ऐसी बात है, आंखें भी चाहिए और दुनिया को सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, कान भी चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ों को सूंघने के लिए हमें क्या चाहिए, नाक भी चाहिए। सो आईज, ईयर्स और नोज का जो सेंसरी एपिथीलियम है, ठीक है, सेंसरी एपिथीलियम है जो किसका, आई का, ईयर का और नोज का, वो भी कहाँ से आ रहा है, वो भी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एक्टोडर्म से आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बच जाते हैं, हमारे पास दांत बच जाते हैं, लाइक अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो टीथ का एनामल होता है, एनामल ऑफ टीथ, वो भी कहाँ से ड्राइव होता है, वो भी ड्राइव होता है एक्टोडर्म से। ये चार बातें आ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आंखों, नाक और कान का सेंसरी एपिथीलियम और दांतों का जो एनामल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच्चों ये चार चीज़ों के बाद हमारे पास जो ग्लैंड्स है ना, वो भी ड्राइव होते हैं कहाँ से, एक्टोडर्म से। ठीक है, ग्लैंड्स में सबसे पहले यहाँ दिमाग में क्या होता है, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ग्लैंड्स में हमारे पास क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं बॉडी के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स एंड सबक्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है, सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, ये आते हैं एक्टोडर्म से। सो अगर एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स पेपर में लिखने को आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डेरिवेटिव होता है इसका न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब हमने देखा कि पीछे हमने देखा था कि इस मेसोडर्म जो है वो सिग्नल देता है एक्टोडर्म को, यहाँ पे क्या होती है एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म, और उस न्यूरो एक्टोडर्म से क्या ड्राइव हुई थी हमारे पास, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, उससे क्या ड्राइव हुई थी, न्यूरल ट्यूब। तो अगर एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स लिखने को आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, न्यूरल ट्यूब। उस न्यूरल ट्यूब में हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आईज, नोज, ईयर का सेंसरी एपिथीलियम है, एनामल ऑफ टीथ है, एंड देन ग्लैंड्स है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इनको याद करना। ग्लैंड्स में हमारे पास पिट्यूटरी, मेमोरी एंड सबक्यूटेनियस ग्लैंड है। इसके अलावा वो बताता है कि ये जो एक्टोडर्मल एक्टोडर्म है, इसकी दो जगह पे थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, और एक्टोडर्मल थिकनिंग की वजह से हमारे पास दो एक्टोडर्मल थिकनिंग अपीयर होती हैं। एक्टोडर्मल थिकनिंग को हम बोलते हैं ऑप्टिक पेलाकॉर्ड। ठीक है, ऑप्टिक पेलाकॉर्ड और लेंस पेलाकॉर्ड। ठीक है, लेंस पेलाकॉर्ड, ये जो लेंस पेलाकॉर्ड है, इससे लेंजेस बनते हैं हमारी आई के। ठीक है, ऑप्टिक पेलाकॉर्ड इनवेजिनेट होता है, ऑप्टिक वेजिकल्स बनती हैं, और ये वेजिकल्स हमें मेंटेनेंस ऑफ हियरिंग और इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी में जरूरत होती है। सो इतने से डेरिवेटिव्स थे एक्टोडर्म के। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलने, जो दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाहिए, न्यूरल ट्यूब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आंखें, नाक, कान, दांत। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड,
सबक्यूटेनियस ग्लैंड एंड हेयर्स और नेल्स। ये अगर हमने दिमाग सारा कवर, ये वाला हिस्सा के कवर कर ही लिया, तो हमें क्या चाहिए, बाल भी तो चाहिए, ठीक है, हेयर्स और यहाँ पे जो नेल्स हैं, ठीक है, हेयर्स और नेल्स जो हैं वो भी हमारे पास कहाँ से आते हैं, इनका जो एपिडर्मिस है वो भी आता है एक्टोडर्म से। सो दिस इज अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म। नेक्स्ट वीडियो में हमने मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स देखने हैं, लेकिन मीजोडर्म की जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह मीजोडर्म जो है वो डिफरेंट लेयर्स में क्लासीफाई हुआ।